जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। साथियों, कांग्रेस की झूठ और छलावे की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। आप मुझे बताइए, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, कांग्रेस ने वादा किया था, इनके नेता ने 10 दिन के भीतर भीतर कर्ज माफी की कसम खाई थी। क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? 10 दिन, 10 महीने और अब 4 साल कर्ज माफ हुआ क्या? किसानों को कुछ मिला क्या? यहां के किसान इतनी बड़ी मात्रा में बाजरा उत्पादन करते हैं, हमने मोटे अनाजों को श्री अन्न के तौर पर प्रमोट किया, दुनिया में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। बाजरा पड़ोस के हरियाणा में 2350 रुपये प्रति क्विंटल बिका, 2350 रुपया प्रति क्विंटल, और ज्यादा दूर नहीं हरियाणा में, और यहां राजस्थान में वही बाजरा किसान 1300 रुपये में बेचने को मजबूर हो गया। हमने राजस्थान के किसानों के लिए नर्मदा का पानी पहुंचाया, इन्होंने इसे रोकने में भी कोई कसम नहीं छोड़ी। किसानों से यही नफरत कांग्रेस की फितरत है, यही इनकी हकीकत है। साथियों, विकास के लिए यह जरूरी होता है कि सरकार ईमानदार भी हो और सरकार स्थिर भी हो। आज दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है क्योंकि देश में आज एक स्थिर सरकार है। आपने स्थिर सरकार बना करके मुझे काम करने का मौका दिया है। जिन जिन प्रदेशों ने लगातार स्थिर सरकारों को चुना है, डबल इंजन सरकारों को चुना है, वहां प्रदेश भी तेजी से विकास कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है, इन्होंने क्या किया? 4 साल से पूरी